नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस कुमार ज्ञान में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें। दोस्तों यूपी सरकार द्वारा दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा निराश्रित दिव्यांगों एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह स्कीम चलाई जा रही है। यह राशि सीधे दिव्यांग अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई बिचौलिया उन्हें परेशान न कर सके। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। अब गूगल में दिव्यांग पेंशन योजना सर्च कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन योजना सर्च होकर आ गया है। अब इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप योजना के विषय में ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने योजना से संबंधित दिशा निर्देश आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ ओपन होकर आ गया है। यहाँ से आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र के प्रारूप का ऑप्शन है। अगर आप आवेदन पत्र का प्रारूप देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑनलाइन आवेदन का। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन से पहले आप यहां से आवेदन की पात्रता देख सकते हैं कि आप आवेदन के लिए पात्र हैं या नहीं। अब आप पात्रता पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं दिव्यांग व कुष्ठावस्था पेंशन के लिए पात्रता की डिटेल दी गई है। आप इन्हें ध्यान से पढ़ लें। अगर आप पात्र हैं तो ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक कर दें। आपके सामने आवेदन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। यहाँ से आप सबसे पहले जनपद सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर आप नगर में निवास करते हैं तो नगर सेलेक्ट कर देंगे और अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने ग्रामीण को सेलेक्ट कर दिया है। अब अगला ऑप्शन है तहसील का। यहाँ से आप अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाता है ब्लॉक का। अब यहाँ से आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर देंगे। अब अगला ऑप्शन आता है ग्राम पंचायत का। यहाँ से आप अपनी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर देंगे। अब अगला ऑप्शन आता है ग्राम का। यहाँ से अपना ग्राम सेलेक्ट कर देंगे। अब अगला ऑप्शन है आवेदक का नाम। दोस्तों यहाँ पर आवेदक का नाम आधार कार्ड के अनुसार भरना है। अब अगला ऑप्शन है जेंडर का। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर देंगे। अगला ऑप्शन है जन्मतिथि का। यहाँ से आवेदक की जन्मतिथि सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप सन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सन को सेलेक्ट कर देंगे। आगे मंथ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप मंथ को सेलेक्ट कर देंगे। अब आपके सामने डेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई है। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप पुनः इसी प्रक्रिया से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है पिता अथवा पति का नाम। यहाँ पर आवेदक के पिता अथवा पति का नाम भरना है। अब अगला ऑप्शन है श्रेणी का। यहाँ से आप आवेदक की श्रेणी को सेलेक्ट कर देंगे। अब अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगला ऑप्शन है एड्रेस का। यहाँ पर आप आवेदक का पूरा पता डाल देंगे। अब अगला सेक्शन है बैंक विवरण का। यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल भरनी है। अगला ऑप्शन है बैंक का नाम। यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर देंगे। अगला ऑप्शन है ब्रांच का नाम। यहाँ पर आपका खाता जिस बैंक में है वो ब्रांच सेलेक्ट कर देंगे। अब अगला ऑप्शन है खाता नंबर का। यहाँ पर आपकी जो खाता नंबर है वो डाल देंगे। अगला ऑप्शन है आईएफएस कोड का। आईएफएस कोड ब्रांच के साथ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर इसमें कुछ भिन्नता है तो आप समाज कल्याण विभाग की ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अगला सेक्शन है आय के विवरण। यहाँ पर आपको आय संबंधी डिटेल भरनी है। यहाँ पर तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या भरना है। अब अगला ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र का क्रमांक। यहाँ पर तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का क्रमांक भर देंगे। अब अगला सेक्शन आता है दिव्यांगता का विवरण। यहाँ पर आवेदक को दिव्यांगता का विवरण भरना है। यहाँ से दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से दिव्यांगता का प्रतिशत भरना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता का प्रतिशत भर देंगे। यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। यहाँ पर दिव्यांग का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि भरनी है। अगर आपको यूनिक दिव्यांग आईडी जारी हुई है तो यहाँ हाँ पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। अब अगला सेक्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे फोटो 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद फोटो सेलेक्ट कर देंगे। अगला ऑप्शन है अपलोड जन्मतिथि। दोस्तों आयु प्रमाण पत्र के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ग्रामीण आवेदक हैं तो ग्राम सभा द्वारा जारी प्रस्ताव की छाया प्रति यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ से दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड कर देंगे। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे। अब अगला ऑप्शन है सबमिट का। दोस्तों सबमिट करने से पहले आवेदन को पुनः एक बार चेक कर लें। पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिशन पूरा हो जाने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें जो आगे आपके काम आ सकता है। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।